हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज फ्राइडे और अभी देखो एकदम तैयार हो चुका हूँ, नहा धो के ऑफिस के लिए। देन पूजा भी हो गई है, पापा जी भी बाहर राउंड मार के आ गए और अभी यह बैग बैग भी रेडी है ऑफिस के लिए। तो गाइस निकलते हैं सीधा काम के लिए। अभी बाहर ठंड आज बहुत है, धुंध यहाँ से तो खैर उतनी नहीं दिख रही धुंध, पर बाहर बहुत हो गई रोड पर आगे। तो चलते हैं अभी वहाँ। तो अभी गए, शूज भी पहन लिए। अभी चलते चलते भाई। पापा बाबा, हाँ बाहर कम घूमना, बाहर जाना मत मतलब, ठीक है? क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है, बाहर जाओगे तो खामा का सर्दी जुकाम फिर से चालू, ठीक है? हाँ 7 बज गए, अभी तक अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। ये तो अब जनवरी भी आने वाली है, फिर भी ये हाल है अभी। तो अभी गाइस पहुंच गया हूँ ऑफिस में। आज लग रही ठंड, कल नहीं लग रही थी, आज फिर से ठंड का एहसास हो रहा है और लग भी रही है आज। मतलब हवा भी है, फॉग भी है, हर चीज़ है। कल तो खाली साफ सुथरा ही था, हवा बिल्कुल नहीं लग रही थी, वरना ठंड लग रही थी। आज हवा भी है, ठंड भी है। ये देखो फॉग दिख रहा है ना साइड में ऊपर, ये देखो बिल्डिंग के पीछे। ये आ गया बैग मेरा। आज मेरा टीका लगता है कुछ ज़्यादा फैल गया है। सही से दिख भी नहीं रही आज, कोई नहीं हो जाएगा अभी ठीक। तो अभी गाइस पहुंच गए हम लोग बी ऑफिस में, मैं पहुंच गया हूँ। जुड़ेंगे हम लोग फिर आज शाम को। आजकल ये मास्क लगाने का एक बेनिफिट और भी है, जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना बाहर से, वो इसी पे रुक जाएंगी। बाकी जो नॉर्मल है फिर ठंडी हवा को ये थोड़ा सा तो कन्वर्ट करेगा ही, तो उसके बाद फिर अंदर फिर हम उस हवा को लेंगे। यानी कि मतलब जो चिल्ड हवा आ रही है उसको नहीं लेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेंगे हम हवा को। तो मास्क पहनने का एक बेनिफिट तो है भैया आजकल सर्दियों में। तो अभी गाइस आज ऑफिस से आने के बाद आज मैं कहीं बाहर चला गया और जल्दबाजी में अपना फ़ोन घर ही छूट गया। फिर रूम पे आके पता लगा कि पापा जी लोग ये सब मुझे कॉल करते, मैंने खुद फ़ोन में देखे कि कितने इन लोगों ने मुझे कॉल वॉल किए हुए, तो फ़ोन घर ही छूट गया मेरा। उस वजह से मैं आगे फिर ब्लॉग को बना ही नहीं पाया। अभी आया हूँ मुझे रूम पर, तो आज फ्रेंडों के साथ चला गया था, उन्होंने बोला जल्दी जल्दी आइए तैयार श्यार होक होके बाहर जाएंगे 31st। तो खैर कल है, क्योंकि आधे लोग कोई छुट्टी पर जा रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, उस वजह से फ़ोन घर ही में छूट गया जल्दबाजी के चक्कर में। और फिर मैं अभी आया हूँ, अभी बज गए रात के 11:30। तो अभी गाइस अभी तो सारे लोग सो गए, पापा जी भी देखो पीछे से सो गए और मैं भी अभी सोने की तैयारी कर रहा हूँ। तो गाइस इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस। मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।